मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है कि टू सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपके कंबाइन करके रखते हैं सेंट्रोमियर, एंड सेंट्रोमियर के सरफेस पे ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हो काइनेटोकोर। एंड ये काइनेटोकोर क्या करते हैं, साइट ऑफ अटैचमेंट का काम करते हैं स्पिंडल फाइबर्स का टू द क्रोमोसोम्स। एंड हम बोल सकते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स इस तरीके से यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं कि सारी जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम्स, वो बिल्कुल सेल के सेंटर में आ जाते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पे बोलते हैं ये मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन कर देते हैं, एक मेटाफेसिक प्लेट बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ यही प्रॉपर्टी है कि सब आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, एंड एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम का कनेक्टेड होता है विद इट्स काइनेटो कोर और थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल, एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटो कोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल। ये देखो ये लाइन जो मैंने बोली है, मैं इसको लिख रही हूँ, देन आपको ये क्लियर हो जाएगी अच्छे से। मैंने यहाँ बोला दैट जो मेटाफेस होता है, मेटाफेस इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल क्रोमोसोम्स, सारे क्रोमोसोम्स आपके कहाँ आ जाएंगे, ऑल क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर, सब कहाँ आ जाएंगे, सेल के इक्वेटर पे आ जाएंगे। और अब मैंने इसके बाद क्या बोला, ध्यान से सुनो, विद वन क्रोमेटिड, इस लाइन को आपने लिखना है विद वन क्रोमेटिड, किसकी क्रोमेटिड, विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर, जो किससे कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर, ये किससे कनेक्टेड है, काइनेटो कोर से कनेक्टेड है, और किससे, टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड दिखाई हैं, टू स्पिंडल फाइबर्स, टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल। इस लाइन को अब ध्यान से सुनो, मेटाफेस के अंदर क्या हुआ, क्रोमोसोम कहाँ आ गए हैं, सारे इक्वेटर पे आ गए हैं, विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की जो एक क्रोमेटिड है वो कनेक्टेड है किससे, काइनेटोकोर से कनेक्टेड है टू द स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर सेल के अंदर है फ्रॉम वन पोल से, ठीक है। एंड फिर उसी क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड है, एंड सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड भी किससे कनेक्टेड है, काइनेटोकोर से, सिस्टर कनेक्ट क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर, ये भी किससे कनेक्टेड है, टू द स्पिंडल फाइबर, लेकिन ऑपोजिट पोल से, टू द स्पिंडल फाइबर लेकिन टू ऑपोजिट पोल, इतनी कहानी थी यहाँ पे। ये वाला मेन पैराग्राफ आपको यहाँ पे समझना था, दैट जो आपका एक क्रोमेटिड है क्रोमोसोम का, वो कनेक्टेड होता है एक स्पिंडल फाइबर से, मतलब एक पोल से, एंड दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड जो उस क्रोमोसोम का है वो भी काइनेटोकोर से कनेक्टेड है, और किससे कनेक्ट होता है फर्दर, स्पिंडल फाइबर से, जो लेकिन कौन से पोल का है, ऑपोजिट पोल का है। अब यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे ना, उससे आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो इसका डायग्राम देखो, सी स्टूडेंट्स, यहाँ हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, ये सेल बनाया मैंने, ये क्रोमोसोम बना रही हूँ मैं यहाँ पे,
देखो ये यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम्स बना दिए, ये जो आपका दिख रहा है ऐसे वाला स्ट्रक्चर, और ये देखो यहाँ स्पिंडल फाइबर्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रियोल्स होते हैं आपके बेसिकली, ये इनको क्या करते हैं स्ट्रेच का काम करते हैं, इनसे कनेक्टेड होते हैं। दिस इज द ट्रांजिशन टू मेटाफेस। अभी मेटाफेस पे आए हैं, जस्ट स्पिंडल फाइबर्स ने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आफ्टर दैट देखो क्या होगा, ये आपका सेल है, सारे देखो क्रोमोसोम्स आपके कहाँ आ गए हैं, ये क्रोमोसोम मेरा डायग्राम ना थोड़ा छोटा पड़ गया, ये मैं आगे क्रोमोसोम छोटे बना रही हूँ, ये देखो लाइक दिस, ये सारे कहाँ कनेक्ट हो गए हैं, देखो एक ही लाइन पे आ गए हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए हैं, और यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट ही है, ये सारे देखो यहाँ पे भी ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये देखो ये सारे आपके इस क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट है, और अगला भी किससे कनेक्ट है, स्पिंडल फाइबर से। तो देखो एक सिस्टर क्रोमेटिड को कनेक्टेड है स्पिंडल फाइबर से, इसकी भी अगली सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड है स्पिंडल फाइबर से। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है, मेटाफेस के अंदर सारे क्रोमोसोम आपके कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं या इक्वेटर पे आ जाते हैं, और इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस प्लेट, ये जो कंप्लीट एक लाइन पे अरेंजमेंट आ गया है इसको हम बोलते हैं मेटाफेसिक प्लेट या मेटाफेस प्लेट, दिस इज नोन एज मेटाफेस प्लेट। तो यहाँ पे अगर हमें की इवेंट्स के बारे में डिस्कस करना है तो मेन इन समरी वी कैन से दैट स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर के साथ ऑफ क्रोमोसोम्स, जो जो काम यहाँ पे हो रहे हैं, दैट स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर, दे आर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी काइनेटोकोर है ऊपर यहाँ पे भी और नीचे यहाँ पे भी काइनेटोकोर, तो काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड दूसरा काम यहाँ पे की इवेंट क्या पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम स्पिंडल की तरफ चले जाते हैं, ये ऊपर जाई जा रहे हैं, मतलब क्रोमोसोम्स जो हैं आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, इस तरीके से जाते हैं कि पूरे इक्वेटर पे आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेस प्लेट, मेटाफेस प्लेट के साथ अलाइंड हो जाते हैं थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू, जो कहाँ प्रेजेंट है, ऑपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट है। सो इन लास्ट वी कैन राइट दिस पॉइंट हेयर दैट क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेस प्लेट, मेटाफेस प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स, थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स, टू बोथ पोल्स। तो ये था हमारा कंप्लीट मेटाफेस के बारे में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियोज वी विल डिस्कस अबाउट एनाफेस एंड टीलोफेस। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।